मैं चाकू निकाल के ना मुझे ऐसे 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 करना लगा और चाकू से ना मुझे मार देती। Hey guys, good morning, welcome to my new ब्लॉग भी हो सकता है वीडियो भी हो सकता है पर बना तो रही हूँ क्योंकि अगर आज मैं नहीं बनाऊँगी तो बहुत दिन बाद ब्लॉग जो है आई है क्योंकि हम लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं। टू मच एक्साइटेड, बस दिन गिनते जा रही हूँ मैं तो। और कल ना क्या हुआ था पता है आप लोग, कल जो है ना मेरे कस्टमर की फ़ोन खो गया था बेस पे। वो है ना बेस से आए थे, उसको एक्सपीरियंस चाहिए इसलिए वो बेस से आई थी, तो है ना बेस पे फ़ोन खो गया। तो मुझे है ना मेरी फ्रेंड की बहुत ज़्यादा याद आ गई क्योंकि है ना हम लोग के साथ भी ऐसे कुछ हुआ था, मैं आप लोग को सुनाती हूँ। बहुत फनी भी है और सीखने की चीज़ भी है, तो यार ध्यान से सुनना। अभी तो मैं शॉप पे जा रही हूँ, अगर हाँ मैं शॉप पे ही जाके बताती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई ना मैं इसलिए। मैं पहुंच गई हूँ शॉप और मैंने सारा काम भी कर लिया है और आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ है। एक कहानी है जो सबको सुनाना है, तो कहानी नहीं है ये घटना है मेरे साथ हुआ है, तो मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनना और ये भी बताना कि आप लोग के साथ भी हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो ऐसे है कि पहले मैं बैग की शॉप पे काम करती थी, आप लोगों को भी पता ही होगा इंदिरा स्क्वायर पे। एक दिन क्या हुआ था, बहुत बड़े ऑर्डर आ गए थे हम लोग की दुकान पर, तो है ना बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। वो ऑर्डर करते करते हम लोग को पता नहीं चला कि वक्त जो है कितना बच गया, वो भी पता नहीं चला। जब मम्मी को फ़ोन आ गया था तब भी मुझे पता चला कि तुम कहाँ पर हो, अभी तक आया नहीं। तो देखा तो है ना 9:30 हो गए थे और तब ना मेरा घर यहाँ पर नहीं था, हम लोग को बस लेना पड़ता था घर जाने के लिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी से उस काम को निपटा के हम लोग है ना शॉप से निकल के बस स्टॉप चले गए और बस भी आ गए थे। जब हम लोग भी बस स्टॉप पहुँचे बस भी आ गए थे, तो ज़्यादा लेट हो गए थे ना, क्या कर सकते हैं, उस बस में चढ़ना ही पड़ा। हम लोग उस बस पे चढ़ गए और हम लोग को चेयर नहीं मिला, ऑफकोर्स मिलेंगे ही तो नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था और वहाँ पर उस चेयर भी खाली नहीं था, तो हम लोग को खड़े खड़े जाना पड़ा। ऐसे मैं ऐसी थी और वो जो मेरी फ्रेंड जो है वो मेरे पीछे थी, तो ऐसे मैं तो आगे देख रही थी। उसने ना उनको है ना उसने पीछे वाले पॉकेट में रखा था, तो है ना उसने बोला अगर फ़ोन निकाल दे दो तो उसको पता चल जाता है ना कि हाँ फ़ोन किसने लिया है। तो उसने बोला कि मेरी फ़ोन जो है ना किसने लिया है, मुझे आके बोला। तो है ना मैं भी किसको बोलूँ कि उसके पीछे जो है ना इतना सारे लोग था कि किसको चोर बोलूँ, है ना अगर किसी को गलत इंसान को जाके चोर बोल दिया वो थप्पड़ तो मारेंगे ही ज़रूर। तो है ना मैंने नेक्स्ट बस तो अभी आने वाले थे, है ना कई कई लोग उतरने वाले थे, कई लोग चढ़ने वाले थे, तो है ना मैंने कॉल किया उसी फ़ोन को कॉल किया तो रिंग आ गई थी। तो एक अंकल है ना थोड़ा सा बूढ़े है, उन अंकल के पास फ़ोन को ना उन्होंने है ना ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे 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 ये हाथ होता है ना ऐसे ऐसे किया हुआ था पीछे। वो चोर जो है ना गेट के पास पहुंच गए थे, तो मैंने बोला वही है देखो तुम्हारा फ़ोन की रिंग वही है। तो ना वो चोर जो है ना हम लोगों ने बोला ना उसको देखा, तो वो भी हम लोग को देखा, तो है ना वो है ना गेट से उतर के इतना तेज़ भागा ना क्या ही बताओ। तो हम लोग को भी है ना हम लोग को भी उतरना था, तो हम लोग इतना भीड़ था आगे है ना, हम लोग खतोखा मतलब होता है सॉरी थाई लैंग्वेज में। तो है ना हम लोग भी उस बस से उतर गए थे, उतर के ना उस चोर के पीछे भागने लगा। मैं तो स्कूल में एक नंबर आ गए थे रैंक करके, तो ना मेरे से तेज़ कौन भाग सकते हैं, वो बुद्धा भी हो गया था तो वो तेज़ भाग नहीं पाया और चोर को पकड़ने ही वाली थी। उन्होंने है ना उनके पॉकेट से ऐसे चाकू निकाल के ना मुझे ऐसे 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 करना लगा और मुंह से भी कोई बड़बड़ा रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे क्योंकि मुझे था इतना समझ में नहीं आया था क्योंकि मैं नया नई थी तो इतना ज़्यादा पता नहीं था मुझे, तो ना ऐसे 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 कर रहे थे। तो मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई, मेरी फ्रेंड तो पीछे रह गई क्योंकि है ना वो ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पाई, तो वो तो पीछे रह गई। तो है ना मैं भी है ना फिर से भागने लगा बस स्टॉप की तरह, मेरी फ्रेंड को मिला, मैंने बोला नहीं मिला फ़ोन क्योंकि उस वो अंकल जो है ना गली के अंदर घुस गए थे, तो उस गली के अंदर भी है ना बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था, मुझे मैं तो एक लड़की हूँ ना मुझे डर भी था और वो चाकू निकाल रहे थे लड़की भी वो लड़का आया कि जो भी हो उन्होंने चाकू निकाल दिया तो है ना उनके पास जाना ही नहीं चाहिए। तो है ना मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, उसने बोला नहीं मैं जाऊँगी ऐसे बोल रहे थे, मैंने बोला मत जाओ है ना आपने जान से कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है, तुम फ़ोन नया खरीद सकती है कमा के है ना, मैं उसको बोला। उसने बोला कोई फ़ोन लेके जाओ मैं उनको पैसे दे दूँगी, मेरा फ़ोन वापस दो, मैं ऐसे बोलूँगी, उसको थाई आती थी। तो मैंने बोला मत जाओ कुछ भी कर सकते हैं, मैंने उसने बोला मेरे इतना ज़्यादा मेमोरीज है, मेरा इतना ज़्यादा फ़ोटोज़ है, कौन सा नंबर है। तो मैं वो रो रही थी है ना, फिर हम लोग बस से नहीं गए, हम लोग चढ़ते चढ़ते है ना घर तक चले गए। उसके यहाँ पर कोई भी नहीं था, वो उनके भाई के उसके भाई के साथ रहती थी,
मुझे ना बहुत ज्यादा दुख हुआ उसको देख के। आप क्या ही बोल सकते हैं, इस बात से हंसी है ना कि पहले तो मैं चोर के पीछे भागने लगा, फिर बाद में जो है चोर जो है मेरे पीछे भागने लगा। ओह माय गॉड, वो है ना मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी, वो चीज़ मेरे साथ हुआ है। अगर मैं उनके थोड़ा और पास चले जाते ना, वो मुझे सच में गोद देते, चाकू से है ना मुझे मार देती। मैंने उसको बोला, मेरी फ्रेंड को इतना समझाया, वो इतना रो रही थी। अब क्या कर सकते हैं ना, हम लोग पुलिस पे भी जाके नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते। पता नहीं वो कौन था ना, कौन था, तो चोरी कुछ भी नहीं किया। मैंने उसका फ़ोन भी थोड़ा सा पुराना भी हो गया था, तो तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जब भी आप लोग भीड़ पे जाए है ना, बस पे चढ़े, तो है ना फ़ोन हो या बैग हो आगे रखा करो, है ना। अगर खो जाते तो है ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये तो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, है ना, मेरे साथ भी हुआ है एक बार। क्या हुआ था, वो चोर को लगा कि वो पर्स है, इसलिए मेरे पास वो लेके गया। और मम्मी है ना ढूंढ के है ना मुझे आके दे दिया। उसने है ना कहीं ऐसे डस्टबिन में जाके फेंक दिया था, तो है ना वहाँ से कोई किसी ने उठा के ना मुझे इन्फॉर्म किया है ना। उस पासपोर्ट में मैंने मेरी मम्मी के फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, तो किसी को वो पासपोर्ट मिला और है ना फ़ोन कॉल करके आया। मैंने ना मुझे तब से पासपोर्ट पकड़ने ही नहीं देता, उसका कॉपी होता है ना वही मुझे दिया हुआ है अभी तक। तो आज मैं घर से खाना लेके नहीं आई हूँ, तो मैं खाना खरीदने जाती हूँ बाहर। ओहो, फिनिश भी हो गया है? नहीं अभी है। अच्छा, मेरे लिए कर रही है, ब्लॉक कर रही है। हाँ, क्या हो गया तुम लोग को, मुझे कितने दिन हो गया ऐसे बाहर फेंक दिया तुझसे। ऐसे लग रहा है कि मैं तो ममता की बहन ही नहीं। नहीं तुम है ना, तुझसे बाहर फेंक दूंगा ये मुझे। तो ये भी नुका ने बनाई है, मामा बोलो क्या है। ममता तुम मुझे देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मैं तुम और मैं, हाँ, मैंने बोला था अर्जेंटीना, हाँ, और तुमने शूज किया था ब्राजील। हाँ, अभी ब्राजील हो गया, घर चला गया। एक्चुअली मैं दोनों टीम को सपोर्ट करती हूँ, फिर भी इससे तो मैंने किया था चैलेंज, तो मैं जीत गई। दे तो हम लोग को ऐसे वो पता है कि नीमा मेसी और रोनाल्डो, सिर्फ तीन लोग हाँ, पता तीन है, लोग को पता है। पर मैं इतना वो नहीं हूँ, बहुत इंटरेस्ट ऐसी नहीं हूँ। हाँ, क्या करने आई है? सेवन जाने आई है तुमको बुलाने। मेरे पास कोई फ्रेंड वाइफ फ्रेंड ही नहीं है, तो अकेली जाना पड़ेगा मुझे, बहुत आई एम सो लेजी। जॉबलेस लड़की? नहीं, जॉबलेस नहीं हूँ। ये लोग है ना, हम दोनों को है ना ये बहुत सेम बोलते हैं, सेम है ही नहीं, कहाँ पर सेम है देखो, गंदी शंकर। ममता ये बात को क्या बोलती है? झाड़ू बात नहीं, तो बार ऐसे करने जा रही थी ना। हाँ, नहीं गई मैं, कह जाऊंगी, हम लोग जाने वाले हैं। अभी नहीं बताने का। तुमको मैं एक चैलेंज देती हूँ वहाँ पे जाके डांस करने का, अगर तुम कर पाए ना, तुमको मैं अभी मैं ना तुमको 20 बार दे देती हूँ। ओके, कौन सा डांस? गाना है ना पतली कमरिया बोले। हाँ, 1 2 3 गो, पतली कमरिया बोले। नहीं, अब नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं स्टार्टिंग से करो, स्टार्टिंग से। नहीं, मुझे बहुत शर्मी आती है। मैं करके बता दी, मुझे 20 बार देंगे? नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, चलो। उन्हें शॉप बंद कर लिया, मैं अकेली रह गई, देखो। और अभी तो लाइट बंद नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। अच्छा है ना लाइट बंद नहीं हुआ, तो मैं वीडियो अच्छे से बना पाई, रील्स। तो मैं पहुंच गई हूँ घर, मम्मी तो वहाँ पर आराम से वीडियो देख रही है, मिनुका सोफे पे है वहाँ पर, देखो कैसे बैठ रही है। सोनिया और सोनू अभी तक आए नहीं हैं, तो अभी मैं जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ, मुँह धो लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ। कल मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि सोनू जो है बहुत ज़्यादा लेट आ गई थी, तो है ना मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जब मम्मी को गुस्सा आता है ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते मम्मी के सामने, फोन भी नहीं देखी मेरे, जल्दी सो गई। तो ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग।